हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। यूपी और एमपी दो ऐसे राज्य हैं जो देश की सरकारें बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका अदा करते हैं और फिलहाल दोनों ही राज्यों में सियासी भूचाल अलग अलग तरीके से महसूस किए जा रहे हैं। यूपी और एमपी में सियासी कांटा फेंकने का दौर लगातार जारी है। कहीं सियासी कांटा थोड़ा सा चूक गया है तो कहीं वो कांटा मछली निगल गई है। फिलहाल यूपी में सियासी भूचाल थोड़ा सा शांत है, मगर एमपी में सियासी भूचाल काफी गंभीरता से महसूस किया जा रहा है। नागरिकता कानून के विरोध में यूपी के कई जगहों पर हिंसा का आलम देखा गया। खासकर लखनऊ में सरकारी और निजी संपत्ति का काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। इस नुकसान के बाद खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने आकर ऐलान किया था कि वो नुकसान करने वालों से बदला लेंगे। यह अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे और मैं इस चीज को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। इसके बाद तो यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने लखनऊ की सड़कों पर कई लोगों के पोस्टर तक लगा दिए, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और सोमवार दोपहर इस पर सुनवाई भी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में रविवार को ही सुनवाई की, मगर समय के अभाव में कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया था। सोमवार को जब कोर्ट बैठी तो मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए इसे निजता के हनन का हवाला बताया। पोस्टर बैनर्स को तत्काल हटाने का निर्देश भी जारी हुआ। साथ ही कोर्ट ने नामजद लोगों के नाम, पते और फोटो को भी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट 16 मार्च को करेगा। इस पर पूरी सुनवाई में कई सारी हैरान करने वाली बातें भी सुनाई दी, जैसे कि महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, कोर्ट को इस तरह के मामले में जनहित याचिका की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट को ऐसे कृत्य का स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए जो ऐसे लोगों द्वारा किए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। लोक और निजी संपत्ति को प्रदर्शन के दौरान नुकसान पहुंचाने वालों को हतोत्साहित करने के लिए ही ये कार्रवाई की गई। इस पर कोर्ट की खंडपीठ ने जवाब दिया था, ऐसा कौन सा कानून है जिससे सरकार को सार्वजनिक स्थान पर फोटो चस्पा करने का अधिकार मिल जाता है। मामले की सुनवाई आने वाली 16 तारीख को होनी है। साथ ही कोर्ट ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। हालांकि गौर करने वाली बात तो ये भी है कि जिन दो लोगों से पहले भी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया वो सोमवार को कोर्ट में हाजिर तक नहीं हुए। उधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमलनाथ सरकार पर सियासत के काले बादल छा गए। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सिंधिया गुट के माने जा रहे 17 विधायक अचानक बेंगलुरु चले गए, जिसके बाद दोबारा से एमपी की सियासत डामाडोल होने की हालत में है। अपनी कुर्सी टकमगाती देख सीएम कमलनाथ तुरंत पार्टी की नेता और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। दोनों के बीच 20 मिनट तक मुलाकात भी चली। देखा जाए तो विधायकों के गायब होने का सिलसिला 3 मार्च से शुरू हो गया था, जब अचानक ही कांग्रेस के 6, समाजवादी पार्टी का 1 और एक निर्दलीय विधायक भोपाल से गुरुग्राम के एक होटल में पहुंच गए। बाद में जहां कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी उन विधायकों को वहां से ले गए, मगर बाद में 4 और विधायक गायब हो गए और अब 17 विधायक। मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 16 मार्च से शुरू होना है और उसी दिन बीजेपी कमलनाथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना रही है। हालांकि 16 तारीख में अभी काफी समय बाकी है और हो सकता है तब तक चीजें सही हो जाएं। खैर उसी दिन यूपी में अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का दिन भी है।
देखना होगा कि इन दो राज्यों में सियासत का कांटा किसे फंसाता है या किसे चुभता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।